नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनटोल्ड हिस्ट्री में। दोस्तों, नॉर्थ इंडिया में पेरियार के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पेरियार एक ऐसे हथौड़ा थे जिन्होंने पूरा का पूरा ब्राह्मणवाद की खटिया खड़ी कर दी थी। तो नॉर्थ इंडिया में क्या किया ब्राह्मणों ने कि उनके बारे में गलतफहमियां फैलानी शुरू कर दी। अब चूँकि आप जानते हैं कि किसी को भी बदनाम करना हो तो उसके बारे में झूठी अफवाह फैलाना शुरू कर दो। तो उन्होंने क्या किया कि पहले तो एक फेक न्यूज़ फैला दी कि उन्होंने अपनी बेटी से शादी कर ली। किसी ने फेक न्यूज़ फैला दी कि उन्होंने दो दो शादियाँ कर ली। तो ऐसे तमाम तरह के जो हैं गलतफहमियाँ लोगों में पैदा कर दी। लेकिन आप सब हकीकत जानते हैं कि ब्रह्मैकल ग्रंथों में खुद ब्रह्मा और सरस्वती के बारे में बाप बेटी होने का या पत्नी होने का जिक्र है। मत्स्य पुराण में इसकी पूरी डिटेल्स है और इन दोनों का बच्चा मनु होता है। तो इन्होंने ये सेम चीज़ जो है उठा के पेरियार जी पे लादने की कोशिश की। पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि पेरियार जी ने अपनी बेटी के साथ कतई शादी नहीं की थी। उनकी बेटी नहीं थी बल्कि एक सेक्रेटरी थी जो उनका सारा काम संभालती थी। और चूंकि पेरियार जी 94 ईयर्स जिए हुए हैं, पेरियार जी के कामों को आगे बढ़ाने में जो सेक्रेटरी थी वो बड़े अच्छे ढंग से उसकी देखरेख करती थी। उनकी स्पीच से लेकर हर एक चीज़ का वो देखरेख करती थी। तो पेरियार जी ने ऐसा सोचा कि जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और हमारे दो बेटे हैं, दोनों को जायदाद मिल जाएगी और हमारी विचारधारा फिर कैसे आगे बढ़ेगी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारी ये सेक्रेटरी है इसको मैं अपना वसीयतनामा दूँ ताकि ये मेरे कार्यों को आगे बढ़ाती रहें। लेकिन उस समय देश आज़ाद अभी तुरंत हुआ था लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं था। तो पेरियार जी ने शादी की थी 1949 में और उस समय कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 में। तो पुराने नियमों के अनुसार आप अपनी संपत्ति किसी भी महिला को जो आपके परिवार से नहीं है उसको ऐसे नहीं दे सकते थे। और अगर दे भी देंगे तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपके जो बच्चे हैं वो बाद में उनसे छीन न लें लीगल रूप से, कि भाई इसका कोई इस पर अधिकार नहीं है। तो पेरियार जी के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि वो उसको अपना देते, क्योंकि वो उनकी बेटी होती तो ऑटोमेटिकली इनकी जो संपत्ति वगैरह है वो उसके भी खाते में जाता। तो ऐसा नहीं था, तो इसीलिए लीगल रूप से उन्होंने फिर शादी अपने एडवोकेट से सलाह की और फिर लीगल रूप से उन्होंने शादी की ताकि उनकी संपत्ति का हिस्सा जो है उनके बेटों के साथ साथ उनकी पत्नी को भी मिल सके। तो दरअसल ये मामला था वहाँ पे। लेकिन चूंकि ये धूर्त लोग हैं तो ये गलत सलत अफवाहें फैलाते रहते हैं कि बेटी से शादी कर ली, बेटी से शादी कर ली। दूसरी बात कि उनसे उनका कोई बच्चा वच्चा हुआ नहीं, तो इसमें कोई मैटर ही नहीं था शादी विवाह करने का, वो वहाँ पे बात अलग चल रही थी। खैर, पेरियार जी के बारे में अब नॉर्थ इंडिया में काफ़ी लोग जानने लगे हैं और उनका आपको पता है सच्ची रामायण लिखी है। और सच्ची रामायण जो लिखी है तो सच्ची रामायण पढ़ लेने से ही लोगों के तो 90% भूत भाग जाएंगे। अगर आपके अंदर किसी भी तरह का कोई काल्पनिक कीड़ा कुल बुलाता है तो एक बार सच्ची रामायण आप पढ़ लीजिए। सारा जो है काल्पनिक किरदारों का कुल बुलाता हुआ कीड़ा भाग जाएगा। तो चलें, हम लोगों ने एक मेगा इवेंट किया था, इसमें बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। आइए कुछ प्रेजेंटेशन सुनाते हैं। बच्चे भी लगातार अब पेरियार जी को समझ रहे हैं और उस पर प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी बातों को, तो आइए सुनते हैं। अच्छा दोस्तों, इस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका जो सपोर्ट है वो चैनल पे लगातार हम लोगों को काम करने के लिए मोटिवेट करता है। तो मोटिवेशन बनाए रखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अनिल जेठी आए हैं। हाँ जी अनिल जेठी। सर जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरी आवाज आ रही है सर? महानायक पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी ने 20वीं सदी के उत्तरार्ध से ही ब्राह्मणवाद को नंगा किया है। ईश्वर की सत्ता स्वीकारने में किसी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन नास्तिकता के लिए बड़े साहस और दृढ़ विश्वास की जरूरत पड़ती है। ये स्थिति उन्हीं के लिए संभव है जिनके पास तर्क तथा बुद्धि की शक्ति है। इसी शक्ति से पेरियार ईवी रामास्वामी जी ने बहुत सारे रामायण पढ़कर उन्होंने 1962 में द की टू अंडरस्टैंडिंग टू रामायण लिखी, जो कि तमिल भाषा में थी। और इसी किताब को तमिल से हिंदी में अनुवाद उत्तर प्रदेश के ललित सिंह यादव जी ने किया और उसका नाम रखा सच्ची रामायण, जिसमें राम का पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया, सीता का भी पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया और पूरे उत्तर भारत में ब्राह्मणवाद के खिलाफ तहलका मचा दिया। फिर सभी ब्राह्मणवादी लोग और सरकार ने मिलकर ललित सिंह यादव और उनकी किताब सच्ची रामायण पर केस कर दिया, पर ललित सिंह यादव जी ने कठिन संघर्ष के साथ
अंतिम तक केस लड़ा और केस जीत गए। कोर्ट ने ललित सिंह यादव और उनकी किताब को बाइज्जत बरी किया और उत्तर प्रदेश की सरकार पर जुर्माना ठोक दिया। इस घटना से ब्राह्मणवादियों की बुरी तरह से हार हुई। उसके बाद ब्राह्मणवादियों ने षड्यंत्र करके बड़ी चालाकी से पेरियार रामास्वामी जी की फोटो को ही विश्वकर्मा बना दिया, ताकि पेरियार रामास्वामी जी के विचार भारत में फैल न सके, और जो कि 17 सितंबर को ही विश्वकर्मा जयंती बना दिया गया, जिसका न तो कोई इतिहास है, न कोई पुरातात्विक प्रमाण मिला है, जिसका न ही हिंदी कैलेंडर और न ही किसी पंचांग में उनका जन्म मिलता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ही ब्राह्मणवादी लोगों ने विश्वकर्मा जयंती बना दिया गया। आज तक किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। बहुजन समाज के सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि पेरियार जी की सच्ची रामायण को ध्यान से पढ़ना चाहिए, खासकर बहुजन समाज के वे लोग जो दिन में कई बार जय श्री राम करते फिरते हैं, उनको विशेष रूप से पढ़ना चाहिए। सच्ची रामायण और पेरियार जी के विचारों ने ब्राह्मणवाद की जड़ों को खोदने का काम किया है। सच्ची रामायण के अनुसार हम कह सकते हैं कि राम अयोग्य व्यक्ति और सीता व्यभिचारिणी थी। बहुजन समाज के सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि सभी महापुरुष तथा सभी महान संतों के विचारों और उनकी किताबों को पढ़ना चाहिए, उनका असली इतिहास जानना चाहिए और उनके विचारों को बहुजन समाज के प्रत्येक घर तक पहुंचाना चाहिए, तभी सामाजिक बदलाव आएगा। और अगर उनके विचारों को फैलाए नहीं गए तो जैसे नर्सरी के पौधों को रोज पानी व दवाई की जरूरत पड़ती है, अगर पानी व दवाई बंद कर दी जाए तो पौधे कुछ ही दिनों में मुरझा कर मर जाएंगे, वैसे ही विचार भी कमजोर हो जाएंगे और बहुजन समाज घोर अंधकार में चला जाएगा। धन्यवाद सर, यही तक मैं कहना चाहता हूँ। एसजे सर को बहुत बहुत धन्यवाद और पैनल मेंबर को भी मेरा धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, और सभी को मेरा पेरियार जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। ओके अनिल जेठी जी, शुक्रिया खूबसूरत प्रेजेंटेशन के लिए। ओके आगे बढ़ते हैं, इसके बाद से दीपक हैं। हाँ जी दीपक। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। हाँ जी आपको आवाज आ रही है। पेरियार ईवी रामास्वामी अपने समाज के दमन और शोषण के वास्तविक कारण हिंदू धर्म, देवी देवता, शास्त्र पुराणों तथा वेदों को पूर्ण रूप से समझ चुके थे, जिससे वे इस पर सीधा प्रहार करते थे, जिस कारण उन्हें कई लोग क्रांतिकारी और चरमपंथी कहते हैं। पेरियार रामास्वामी का मानना यह है कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था में हम जितनी उन्नति और सम्मान की अभिलाषा करेंगे उतना ही औन्नति में चले जाएंगे। निस्वार्थ सेवा भाव, तर्कशील और निर्णय लेने की क्षमता से उन्होंने ईरोड बाजार स्ट्रीट में व्यापारियों पर जबरदस्त प्रभाव डाला। अपनी युवा अवस्था में रामास्वामी तमिल विद्वान पंडित शिरोमणि अयोथी थास से प्रभावित थे, जो अपने तर्कों और बौद्ध सिद्धांतों की मदद से जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म की जमकर आलोचना करते थे। अपरिष्टता की क्रूरता के प्रति तमाम नफरतों के बावजूद अपनी ईमानदारी और काम करने की क्षमता के कारण ईवी रामास्वामी को कई सरकारी संस्थानों में माननीय पदे पर काम करने का अवसर मिला। उन्हें लगभग 29 सरकारी संस्थानों में अध्यक्ष, सचिव जैसे पद संभालने का अवसर मिला। उन्होंने कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन की और कांग्रेस पार्टी में ब्राह्मणवादी सत्ता का प्रभाव होने के कारण उन्होंने 1925 में पार्टी छोड़ दी। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की। यूनेस्को ने पेरियार रामास्वामी को दक्षिण पूर्व एशिया का सुकरात कहा, जो अज्ञानता, अंधविश्वास और बेकार के रीति रिवाजों को दुश्मन थे। रामास्वामी कहते हैं, ईश्वर मूर्ख है और उसे मानने वाला महामूर्ख। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। ओके बढ़िया दीपक, आपका ये डिस्ट्रिक्ट एक बार आप कंफर्म करें। फैजाबाद। जस्ट वन मिनट, यहाँ जौनपुर है। तीन नाम है दीपक नाम से, तो दीपक ये एक तो, ओके ओके तो ये ऊपर होगा फिर। ये मिल गया, इनका सीरियल नंबर 24 है। ओके ठीक है दीपक जी। ओके आगे बढ़ते हैं और अब देखें कौन आए हैं। हाँ जी किरण श्रीसत जी। हाँ नमस्कार सर, नमो बुद्धाय। हाँ हाँ बोलिए। 20वीं सदी के तमिलनाडु के एक प्रमुख राजनेता थे। दलित, शोषित व गरीबों के उत्थान के लिए कार्यरत रहे। उन्होंने जाति गैर बराबरी वाले हिंदुत्व का विरोध किया, जो इनके अनुसार दलित समाज के उत्थान का एकमात्र विकल्प था। पेरियार अपनी मान्यता का पालन करते हुए मृत्यु पर्यंत जाति और हिंदू धर्म के उत्पन्न असमानता और अन्याय का विरोध करते रहे। ऐसा करते हुए उन्होंने लंबा, सार्थक, सक्रिय और उद्देश्यपूर्ण जीवन जिया है। पेरियार ऐसे क्रांतिकारी विचारक के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने धार्मिक आडंबर और कर्मकांडों पर प्रहार किया था। उन्होंने तमिलनाडु के ब्राह्मणवादी प्रभुत्व और जाति अस्पृता के खिलाफ विद्रोह किया था। जाति आधारित
प्रतिनिधित्व देना हर राष्ट्र और उसकी सरकार का अधिकार है। यह हर समुदाय के नागरिकों का अधिकार है। जाति आधारित प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का मूल उद्देश्य है नागरिकों के बीच असमानता को मिटाना। जातिगत प्रतिनिधित्व का एक वरदान है जो समान नागरिकों के समाज का निर्माण करता है। अगर अगड़े प्रगतिशील समुदाय अन्य समुदाय की बेहतरी की में रोड़े अटकाते हैं, तब जाति आधारित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को अपनाने के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं बचता। यही वह राह है जिस पर चलकर यंत्रणा भोग रहे समुदाय को कुछ राहत मिल सकती है। जाति आधारित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की आवश्यकता तब स्वयं समाप्त हो जाएगी जब सभी समुदाय के बीच असमानता स्थापित हो जाएंगी। जब से शासन के भारतीय भागीदार की चर्चा शुरू हुई है तभी से ब्राह्मणों को छोड़कर अन्य समुदाय जाति आधारित प्रतिनिधित्व की मांग उठा रहे हैं। ब्राह्मणों के अतिरिक्त सभी समुदाय ने उसे आंदोलन में हिस्सेदारी की जाति आधारित प्रतिनिधित्व की नीति के लागू करने के मांग को लेकर शुरू किया था। ब्राह्मणों को विशेषकर तमिलनाडु के ब्राह्मणों ने जातिगत प्रतिनिधित्व लागू करने की राह में रोड़े अटकाने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने षड्यंत्र किए, छल किए और अन्य तरीके से यह कोशिश की कि एक ऐसी नीति जो सभी पद दलित समुदाय को लाभ पहुंचाने वाली थी वो लागू न हो सके। ब्राह्मण जातिगत प्रतिनिधित्व का विरोध क्यों कर रहे हैं यह समझना आसान है। यद्यपि उन्होंने कभी सामने आकर यह नहीं बताया कि पद दलित लोगों को ऊपर उठाने में क्या बुराई है। जो लोग उसके खिलाफ है वे कहते हैं कि इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए, परंतु यही नहीं बताते कि इसे लागू क्यों नहीं किया जाना चाहिए। किसी ने अभी तक स्पष्ट शब्दों में यह नहीं बताया कि वह आरक्षण की नीति का विरोध क्यों है। समानता स्थापित करने में क्या गलत है? सभी को समान अवसर उपलब्ध कराने में क्या गलत है? अगर समाजवादी समाज का निर्माण गलत नहीं है और अगर इस तथ्य के इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान असमान समाज को प्रगतिशील बनाया जाना चाहिए, तो हमारे सामने दूसरा रास्ता भी क्या है? क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि समाज में कमजोर वर्ग है? इसके अतिरिक्त जब हमने समाज का धर्म, जाति और समुदाय के आधार पर वर्गीकरण स्वीकार किया है, तो हमें उन लोगों का रास्ता नहीं रोक सकते जो धर्म, जाति, समुदाय के आधार पर कुछ विशेषाधिकार मांग कर रहे हैं। अगर वे अपने हितों की रक्षा करना चाहते हैं तो इसमें क्या गलत है? मैं इसके कोई धोखेबाज कपट नहीं देखता। जातिवाद ने लोगों को पिछड़ा बनाया है। जातिवाद ने बर्बादी के सिवाय हमें कुछ नहीं दिया है। जातिवाद ने हमें नीचा और वंचित बनाया है। जब तक इन बुराइयों का उन्मूलन नहीं हो जाता और सभी लोगों को जीवन में बराबरी का दर्जा नहीं मिल जाता, तब तक आजादी के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व अपरिहार्य है। कई समुदाय ने शिक्षा के क्षेत्र में हाल ही में प्रवेश किया है। सभी लोगों ने यह अधिकार होना चाहिए कि वे शिक्षा प्राप्त करें और सभ्य जीवन जिए। हमारे लोगों को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। हमारे लोगों को सार्वजनिक सेवा में और नभी क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों में कुछ आबादी के उनके प्रतिशत हिसाब पे उपयुक्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इस देश के हर 100 व्यक्तियों में केवल 3 ब्राह्मण है। आबादी का 16% आदि द्रविड़ है और 72% गैर ब्राह्मण है। क्या सभी को आबादी के अनुपात नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? धन्यवाद सर। नमो बुद्धाय। ओके, शुक्रिया आपका किरण। बहुत बढ़िया किरण श्री सत जी। इनका सीरियल नंबर है 305 है सीरियल नंबर। ओके ओके सर, धन्यवाद। हाँ, और इसके बाद से यहाँ पे विभीषण शरणकर आए हैं। हाँ जी विभीषण जी। यस सर, सुनाई दे रहा है सर? हाँ सुनाई दे रहा है। देश के आज के वर्तमान के सबसे बेहतरीन धर्म और इतिहास के सच्चे जानकार मानवतावादी और देश के सर्वोत्तम डिबेटर मेरे आदरणीय प्यारे यजेश्वर जी और उनके ही उन्हीं के तरह के बेहतर जाति अभी के परीक्षक रियलिस्ट आजाद सर जी और रैशनल वर्ल्ड के रैशनल लोगों को मेरा सज्ञ नमस्कार। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय चौराय, जय ज्योति क्रांति। ईवी रामास्वामी पेरियार जी को उनकी जयंती निमित्त कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पेरियार जी के स्टैचू के नीचे लिखा है, ईश्वर नहीं है और ईश्वर बिल्कुल भी नहीं है। जिसने ईश्वर को रचा है वो बेवकूफ है, जो ईश्वर का प्रचार करता है वो दुष्ट है, जो ईश्वर की पूजा करता है वो बर्बर है। पेरियार जी ने ईश्वर से 15 सवाल किए थे। क्या तुम कायर हो जो छिपे रहते हो, सामने नहीं आते? क्या तुम खुशामत परस्त हो जो दिन रात पूजा करवाते हो? क्या तुम भूखे रहते हो जो दूध मिठाई लेते हो? क्या तुम मांसाहारी हो जो बड़ी मांगते हो? क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो लाखों टन सोना दबाए रखते हो? क्या तुम व्यभिचारी हो जो मंदिर में वेश्या रखते हो? तुम कमजोर हो जो बलात्कार नहीं रोक पाते हो? क्या तुम मूर्ख हो जो अरबों का तेल दूध घी नाले में बहाते हो? क्या तुम बहरे हो जो मासूमों की आवाज नहीं सुन सकते? क्या तुम अंधे हो जो अपराध देखते भी चुप बैठते हो? क्या तुम आतंकवादियों से मिले हो, धर्म के नाम पे लोगों को मारते हो? क्या तुम आतंकवादी हो जो लोग तुमसे डरते हैं? क्या तुम गूंगे हो, एक शब्द भी बोल नहीं पाते, सवालों के उत्तर नहीं देते?
क्या तुम भ्रष्टाचारी हो क्योंकि तुम गरीबों को कुछ नहीं देते जो कि गरीब तुम्हारे ऊपर पैसा बहा देता है? क्या तुम मूर्ख हो जो नास्तिकों को पैदा करते हो जो तुम्हें खरी खोटी सुनाता है और तुम्हारा अस्तित्व ही नकारता है? ऐसे थे क्रांतिकारी महान विचारक पेरियार जी, जिन्होंने ब्राह्मणवाद, उच्च नीचता, अत्याचार और कर्मकांड को नकारा, बहुजन लोगों के आत्मसम्मान को जगाने का काम किया। वो विद्रोही थे, गणपति मूर्ति तोड़फोड़, राम सीता प्रतिमा दहन, ऐसा काम उन्होंने किया। दक्षिण भारत में उनका आंदोलन यशस्वी हुआ क्योंकि उन्होंने कभी अपने विचार के साथ तोड़जोड़ नहीं किया। 5 मिनट में पेरियार जी के बारे में पूरा कथन करना तो असंभव है, लेकिन उनसे जुड़ी हुई कुछ प्रमुख बातें मैं बताना चाहता हूँ। दक्षिण भारत में उन्होंने स्वाभिमान विवाह, अंतरजातीय विवाह, विधवा विवाह ये संकल्पना चालू की। द्रविड़ लोगों ने अपनी पहचान हिंदू नहीं बताना चाहिए, ऐसा ठहराव जस्टिस पार्टी के अधिवेशन में उन्होंने किया था 1940 में। उन्होंने स्वतंत्र द्रविड़ राष्ट्र की भी मांगनी की थी क्योंकि उनको लगता था भारतीय राष्ट्रवाद यानी ब्राह्मण का राजकारण है, जो उनको बिल्कुल नापसंद था, बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि उसमें सबका शोषण हो रहा था। उनका ऐतिहासिक किताब 1944 का था रामायण पाटीरांगल, उसका हिंदी अनुवाद कनी रामदर जी ने सच्ची रामायण नाम से किया था। श्री लाल सिंह यादव ने उसको पब्लिश किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने किताब पर पाबंदी लगा दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बंदी हटाई। फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने बंदी नहीं उठाई थी, लेकिन जब 1995 में माननीय कांतिराम जी की बसपा पार्टी सत्ता में आई तो उन्होंने बंदी उठाई। उनका कहना था जो रामायण एक कथा है, काव्य है, वास्तव नहीं है। राम उत्तर भारत का था, तमिल स्त्री पुरुष को वानर राक्षस बताया है रामायण में, शूद्र की बलि दी दी है, शूर्पणखा का नाक काटा इसलिए सीता अपहरण किया गया था, रामायण में तमिल लोगों का अपमान किया, उनका ऐसा मानना था। आर्य देवता और उनका महत्व नष्ट होना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। रामायण में उन्होंने अनैतिकता, चारित्रहीनता, मांस भक्षण, मदिरापान, अश्लीलता, कपट नीति, अन्याय, अशास्त्रीयता, इसका जबरदस्त पोस्टमार्टम और खंडन किया है। पेरियार जी का कहना था कि जब तक मूल निवासी लोग हिंदू धर्म देवता, धर्म ग्रंथ, पुराण, वेद और इतिहास पर विश्वास रखेंगे तब तक बहुजन पर अत्याचार शोषण होता रहेगा। उनको काशी धर्मशाला में फ्री भोजन मिला नहीं और वो सुविधा सिर्फ ब्राह्मण के लिए थी, जो धर्मशाला द्रविड़ व्यापारी ने तैयार की थी, फिर भी उनको उधर एंट्री नहीं थी तो उनका गुस्सा फूट पड़ा और उस टाइम से वो चिंतनशील बने। अंग्रेजों ने उनको मानद मैजिस्ट्रेट बनाया, बहुत संस्था के वो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव भी रहे थे। वे गांधी जी के समर्थक भी थे। उनकी पत्नी और बहन ने दिया हुआ दारूबंदी का प्रस्ताव गांधी जी ने अमल में लाया था। ये उसी कारण पेरियार जी ने अपने 500 ताड़ के पेड़ काट डाले थे और उस टाइम उनको 1 महीना जेल भी हो गई थी। उनको वाइकम नायक भी पदवी मिली थी। उन्होंने खादी का पुरस्कार किया था एवं परदेशी कपड़े का बहिष्कार किया था। उन्होंने वो पेरियार जी पुदी आरसू पत्रिका, पुरात की यानी क्रांति, विद्युतलाई साप्ताहिक और रिवोल्ट अंग्रेजी मासिक चलाते थे। रामास्वामी ने 1918 में इरोड नगर पालिका अध्यक्ष बने थे तब उन्होंने पीने का पानी योजना अमल में लाई थी। श्री राजगोपालचारी के कारण वो कांग्रेस में गए थे। उन्होंने असहकार चलवल में सक्रिय सहभाग लेने के लिए उनकी वार्षिक 20,000 रुपए वाला व्यवसाय बंद कर दिया था। वो कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी थे। कांग्रेस में ब्राह्मण राज खत्म करके गैर ब्राह्मण को हक और प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने मांग उठाई थी, लेकिन वो उनकी सुनी नहीं गई, इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और अपना कड़गम पक्ष स्थापन किया। उन्होंने बाबा साहब जी को बौद्ध धर्म की जब दीक्षा लेने जा रहे थे तब अकेले नहीं बल्कि बहुसंख्यक लोगों के साथ दीक्षा देने की सलाह दी थी, यानी कि उसका जनमानस में अच्छा प्रभाव गिर सकता था। मंदिर में सब जाति के लोगों को प्रवेश देने का कार्यक्रम उन्होंने किया था। मंदिर में ब्राह्मण का शोषण बंद करने के कायदे के साथ वो थे। उन्होंने तर्कसंगत पर विश्वास रखने वाले सरकारी और गैर सरकारी खासगी लोगों के लिए रैशनलिस्ट फोरम भी चालू किया था। उनका जन्म 17 सितंबर 1979 को हुआ था और उनका मृत्यु 24 दिसंबर 1973 में हुआ था। ऐसी माननीय रामास्वामी जी की तर्क पद्धति शैली और अभिव्यक्ति को ध्यान में रख के 1970 में यूनेस्को ने उनको आधुनिक युग का मसीहा, दक्षिण पूर्व एशिया का सॉक्रेटिस, सामाजिक सुधारणावादी आंदोलन का पितामह और कर्मश्रुति परंपरा के कट्टर विरोधक इन शब्दों में उनका गौरव किया था। आज के दिन उनको कोटि कोटि नमन। यस सर। ओके, बहुत शुक्रिया। ये नाम जिस नाम से आपने फॉर्म भरा था, डॉक्टर विनय विभीषण नायक, विभीषण सारंगो सर। यस सर। अच्छा ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन। ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद।